साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों अभी मैं खड़ा हूं बाड़मेर से करीब 25-30 किलोमीटर दूर बलाऊ गांव में, बेल्टों की ढाणी बलाऊ गांव। यहां पर पणाराम पुत्र कृष्णाराम बैरट उनकी ढाणी खड़ा हूं। इन्होंने यहां पर अपने खेत में पानी चेक करवाया था, जो आप देखते हो। साथियों मैंने एक खबर पहले प्रकाशित की थी, उसमें आपने देखा था पानी चेक करने की मशीन। भूजल सर्वे जोधपुर वालों से इन्होंने पानी चेक करवाया था। आप आज हम बेल्टों की ढाणी पहुंचे हैं, कैसा पानी निकला है और कितने फुट पे पानी निकला है, और मीठा बलबला या खारा पानी है, इनसे बात करेंगे। खेत मालिक जो किसान है इनसे बात करेंगे। इन्होंने ट्यूबवेल करवाया है मीठे यहाँ पानी का, तो चलो अपन इनसे बात करते हैं। आपको पानी चेक करवाएंगे साथियों, कैसा पानी है, कितने फिट पे पानी निकला है, तो आपको मैं चेक करा रहा हूँ। इन्होंने ये ट्यूबवेल करवाया है, इनसे मारसा से बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। ये साथियों मारसा है, इन्होंने पानी चेक करवाया था अपने खेत में, कितने फिट पे पानी निकला है मारसा से जानकारी लेते हैं, कैसा पानी है। चलो अपन एक बार आपको मैं पानी जो ये ट्यूबवेल से निकाल के अपन आपको चेक करवाएंगे, कैसा मीठा पानी है खारा पानी है। मारसा एक बार बताओ दर्शकों को कैसा पानी निकला था और कब चेक करवाया था आपने। ये पहले क्या है कि यहाँ हमने आसपास में बहुत पानी कम है, हाँ, और हमने इधर उधर पता लगाया कि भूजल विभाग की मशीन है, वो जोधपुर वालों ने पानी चेक कराने की मशीन है, हाँ, उससे हमने संपर्क किया और उनको बुलाया, हाँ, तो उन्होंने पानी चेक किया और वहाँ से जोधपुर से रिपोर्ट आई, हाँ। उस रिपोर्ट के आधार पर, हाँ। उस रिपोर्ट के अनुसार ही हमने ट्यूबवेल खुदवाया, हाँ। तो 100 मीटर से लेकर के 120 मीटर, कहने का मतलब 100 मीटर के बाद में पानी ने आंख दे दिया, हाँ। और 100 मतलब लगभग 20 मीटर पानी का जो गहराई है, हाँ। और फिर मशीन से फुंकाया, अभी बिल्कुल मीठा पानी है, हाँ। और इस मशीन की ये खासियत है, हाँ। ये सर्वे जो करता है उसी के अनुसार ही इसका रिजल्ट है, और आसपास के और भी कुछ कुएं हैं वो मैंने सुना आपने एक बिगर सर्वे ट्यूबवेल चेक करवाया तो वहाँ तो पानी नहीं निकला, वहाँ पानी निकला नहीं, हाँ। तो दोबारा इस मशीन को आज बुलाया गया है, हाँ। क्योंकि यहाँ जो एरिया है, हाँ। इस एरिया में पत्थर में पानी है, हाँ। इसमें वो पूरी 10-20 हठीकड़ या ऐसा कोई है पानी निकलता है, सभी जगह समान पानी नहीं है, हाँ। तो मशीन के जो पॉइंट के अंदर जो पानी निकलता है उसके अनुसार ही ट्यूबवेल किए जाते हैं। तो आपने ये ट्यूबवेल करवाया, कितने फिट पे पानी आ गया? ये है मतलब लगभग 325 फिट पे पानी आया। पानी कैसा निकला? पानी अच्छा पानी है, खेती के योग्य है, हमने इसका सर्वे भी आगे करवाया। मतलब ये पानी टूटता है या चलता ही जाता है? चलता ही रहता है, मतलब टूटता नहीं, मतलब जैसे कि दिन में 10 टंकी भर ली अब पानी नहीं है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल। तो एक बार आप पानी चेक कराओगे? बिल्कुल कराएंगे, तो एक बार कराओ ना, करवा दे। साथियों ये ट्यूबवेल करवाया है मारसा ने, अभी इस पानी को अपन चेक करेंगे कैसा खारा पानी है, मीठा पानी है, बलबला पानी है, कैसा पानी है। आपको इधर चेक करवा रहा हूँ, अभी इनको अभी कनेक्शन नहीं मिला है, इसलिए ये अपने घर का जनरेटर और ट्रैक्टर से अभी ट्यूबवेल शुरू किया है इन्होंने। अब इन्हें फाइल भी भरी हुई है इनके 3-फेज कनेक्शन की, कनेक्शन आते ही अब पानी शुरू कर देंगे, ये अपनी खेती भी शुरू कर देंगे। ये साथियों देखो भूजल सर्वे के बाद इन्होंने ट्यूबवेल करवाया है। ये साथियों मेरा ये निवेदन है कि जो भी किसान सुन रहे हैं इस वीडियो को, क्योंकि सभी जगह पानी समान नहीं है, इसीलिए मशीन से चेक करवा करके ही ट्यूबवेल खुदवाएं, इसकी बिल्कुल गारंटी है। जो इनका रिजल्ट आता है जोधपुर से, जैसा रिजल्ट आता है उसी के अनुसार इसमें पानी निकलता है, उसकी जमीन जो गुणवत्ता है क्या है सारा आ जाता है, पूरा सर्वे रिपोर्ट में आता है, पूरा सर्वे आता है। सर्वे के अलावा अगर करोगे तो भाई देखो अच्छा काम नहीं रहेगा, कहीं कहीं साथियों बहुत डायरेक्ट डॉन है, कहीं पानी नहीं मिलेगा, 2,000, 2 लाख, 2.5 लाख का खर्चा है, वो बिना चेक किए हुए नहीं करें। साथियों ये मीठा पानी है, देख लो बहुत ही मीठा है।
साथियों इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जिस किसी भाई को अपने घर में खेत में ट्यूबवेल कराना है तो आप संपर्क करें, भूजल जोधपुर है जो इनके नंबर में ऊपर कैप्शन में भी दूंगा और वीडियो के ऊपर भी दूंगा। आप साथियों सर्वे कराए, सर्वे करवाने के बाद अपने खेत में ट्यूबवेल करवाए। बाकी और जो रिपोर्ट के अनुसार अगर रिजल्ट नहीं है तो उनकी जो खर्चा है वो वापिस कंपनी देती है। अगर इसके सर्वे के अनुसार अगर पानी नहीं निकलता है, जो स्थिति नहीं बनती है, तो कंपनी इसकी जिम्मेवार है। कंपनी इनकी जिम्मेवार है, ये मार्सा ने पूरी जानकारी दी है। तो साथियों इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये पोस्ट हर जगह पहुंचे, हर किसान के पास पहुंचे, तो ताकि किसान अब पानी के लिए इनको मशक्कत नहीं करनी पड़े। और सर्वे कर भूजल वालों से सर्वे करवाते ही अपने खेत में मार्सा ने ट्यूबवेल करवाया, पहले सर्वे करवाया उसके बाद ट्यूबवेल करवाया। ट्यूबवेल करवाते ही इनके ये देख लो खेत में मीठा पानी है। अब भगवान की मेहर है, इंद्र भगवान की मेहर है। अब इनके खेत में देखो अभी साल में 3 खेती कर सकते हैं मार्सा, इस पानी से साल में 3 खेती कर सके। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत माता। ये सभी बैठे मेरे ग्रामीण किसान भाई बैठे हैं, सभी का बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे करने वाले जो भूजल वाले जोधपुर वाले हैं, वो भी टीम यहाँ पहुंची आज वापिस यहाँ ट्यूबवेल करवाने के बाद। तो ये सर्वे टीम खड़ी है मेरे पास, इनसे भी बात करेंगे, थोड़ी जानकारी लेंगे। ये भूजल वाले हैं जोधपुर वाले, ये सर्वे करने के लिए आए थे। इन्होंने सर्वे किया था, उसके बाद मार्सा ने ट्यूबवेल करवाया था इनकी रिपोर्ट के बाद। तो ये भाई साहब है, भाई साहब आपने कब किया था ये सर्वे? 4 महीने पहले करवाया था सर्वे आपको मार्सा ने। पहले तो मार्सा ने बिगर सर्वे ट्यूबवेल के खुदा ने चेक किया था तो पानी नहीं निकला था। उसके बाद आपने कितने दिन में रिपोर्ट दी थी? मैंने 48 घंटे बाद रिपोर्ट दी थी। हाँ, तो आपका क्या है, पैसे वैसों का क्या है? देखो इसमें मतलब मान लो नॉर्मली पानी सेक करवाना चाहते है तो फीस लगती है 15,000 रूपए। हाँ, और 18 मीटर सेक करवाते तो 20,000 रूपए। हाँ, मतलब पानी नहीं निकले तो पैसे नहीं लेते हो आप? नहीं, सेक करने के दौरान मशीन बता देती पानी है या नहीं है। हाँ, मीठा है या खारा। तो आप मतलब सर्वे करते हो तो आप तो एक वीडियो में बता रहे थे कि पैसे नहीं लेते हो, क्या है? देखो पानी सेक करने के दौरान मालूम चल जाता खेत में पानी है या नहीं। पानी हुआ तो मतलब 18 मीटर सेक करवाते तो 20,000 रूपए, और मान लो खेत सेक करने के दौरान पानी नहीं बताया मशीन ने तो खाली 3,000 रूपए फीस है। सिर्फ फीस ही है, बाकी कोई पैसा नहीं है। तो साथियों इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर किसान के पास ये पोस्ट पहुंचे, किसान अपने खेत में ट्यूबवेल करवाए। और भूजल इन्होंने कहा है, मार्सा ने कहा है, भूजल वालों से बिगर चेक करवाए आप, बिगर सर्वे करवाए आप, बिना बिगर रिपोर्ट करवाए आप, ट्यूबवेल ना करवाए। साथियों अब इस सर्वे के बाद आपको जो रिपोर्ट मिलती है उस रिपोर्ट के आधार पर आपको मिल जाएगी खारा मीठा बलबला कैसा पानी है। उसके बाद रिपोर्ट मिलने के बाद और कितने फिट पर आपके खेत में पानी है और कैसा पानी है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत माता।